गुंगा है, प्लीज हमें मदद करिए, मैं बैंक अकाउंट दे दूंगी। ये वाला ब्रिज पार करके जाना है वहाँ, आधा पौना घंटा और लगेगा और दर्शन हो जाएंगे। वेलकम टू लाइफ ऑफ शर्मा पटेल गाइस, कैसे हो आप लोग। सो जैसे कि आप जानते हो हम हैं इंदौर में और अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। हम अभी रेडी हो गए, चेंज वेंज कर लिया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आपने अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा होगा ट्रैवल करता हुआ तो प्लीज वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम निकल रहे हैं और हम ऑलरेडी लेट हो गए यहाँ से, इतने धीरे धीरे काम बोल रहे ना, मर रहे, आलस आ रहा है एक्चुअली, हमें हेक्टिक हो गया थोड़ा, पर ठीक है क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है। सो ये देखिए, ये है हमारे रूम का व्यू, कितना बढ़िया लग रहा है। वो ये वाला ब्रिज पार करके जाना है वहाँ, और ऊपर का तो नहीं पता मेरे को। और यहाँ पे अलग, ये भी एक मूर्ति है बहुत बड़ी, ये भी एक मूर्ति है। तो हमें एक्चुअली जाना है ये ब्रिज पार करके वो मंदिर, ऊपर का नहीं पता ऊपर क्या है। तो हमें ऑलरेडी लेट हो गया है तो लंच हम थोड़ा बाद करेंगे, इसमें हम लोग पियेंगे लस्सी तब तक, और चलते हैं वॉक करते हैं। ये है नर्मदा नदी और यहाँ पे कितनी सारी बोट खड़ी हैं। एक्चुअली यहाँ पे सर्विस है फुल, ये पहाड़ राउंड करवाती मतलब करवाती है बोट्स। तो मैंने लगवा लिया ओमकारेश्वर का टीका और इसे देखिए, ये आ रहा है बड़ा बंठन स्टाइल मार। ये सिर्फ गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बाल दिखाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, बस वही होता है इसका, बाकी कुछ बोलता नहीं है। ये गूंगा है गूंगा है, प्लीज हमें मदद करिए, मैं बैंक अकाउंट दे दूंगी, आप प्लीज उस बैंक अकाउंट में थोड़े इसके लिए पैसे भेज दीजिएगा, मदद चाहिए हमें। मस्त लग रहा है ना, मैंने पहली बार ऐसा टीका लगवाया है और अच्छा लग रहा है, अब फील आ रहा है मेरे को, फील एक्चुअली बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी है और हम इंतजार करेंगे अभी, शायद एक दो घंटा चला जाएगा इसी लाइन में। सो लेट्स सी, दर्शन तो करने हैं सो करेंगे। सो हमें लाइन में खड़े हुए अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक हम लाइन में ही है, और लाइन में खड़े हो यहाँ पे फाइटिंग भी हो रही है ना। दर्शन करने आए, शांति से दर्शन करो और जाओ, फाइटिंग करने लगे यहाँ पे। सो भगवान जी हमारी परीक्षा बखूबी दे रहे हैं क्योंकि लाइन पे हम खड़े तो हैं और बारिश भी चालू हो गई। आखिरकार हमने सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और बस 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए, मतलब लाइन में, और अब हम बस थोड़ी दूरी पे हैं, अंदर शूट करने मिले ना मिले पता नहीं, बट आप देख सकते हो लाइन पीछे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कमर की बैंड बच गई है, अभी बस दर्शन हो जाए अच्छे से। हम लोग ने सोचा सीढ़ियाँ चढ़ गए थोड़ा ऊपर आ गए मतलब दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लाइन और ये ऊपर तक जा रही है, अब पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ ऊपर आके पचका हो गया हमारा, हमें लगा कि हो जाएगी ख़त्म, लेकिन ये और 2 घंटा लगेगा। ये लाइन को देख कर तो ऐसी फीलिंग आ रही है। ओमकारेश्वर के दर्शन के दौरान ना पता नहीं लाइन में कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने
फाइटिंग चल रही है यहाँ पे, मतलब बोलते ना एंटरटेन होते होते ही जा रहे हो। हम ऊपर पहुँच ही रहे हैं, जब से मैं यही कह रही हूँ जब हम पहुँच रहे हैं। तो बात टेंशन इस बात का है कि हमें 9 बजे से पहले यहाँ से निकलना है, बस पकड़नी है उज्जैन के लिए, वरना शायद हमारी बस छूट जाएगी, हमें ये टेंशन है। और ऑलरेडी 6 बज गए और ऊपर तक जाने में पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा, और पर हमें बस पकड़नी है। हमने कुछ खाया भी नहीं है, लंच भी नहीं किया है, हम सीधा लाइन में लग गए, मतलब रेडी हुए और लाइन में लग गए, पर लंच भी नहीं हुआ। एटलीस्ट डिनर करके फटाफट हम निकले, क्या पता क्या होगा। अब देख भूख भी नहीं लगी, हाँ भूख नहीं लगी है, सर दर्द भी नहीं हो रहा है। सोचो नहीं तो भूख की वजह से मेरे को सर दर्द होता है, पर भूख भी नहीं लगी है, सर दर्द भी नहीं हो रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कितनी लाइन। और टेंशन आ रहा है मेरे को, एक बात का बहुत बड़ा टेंशन आ रहा है मेरे को कि हमने चप्पलें ऐसे ही छोड़ के आ गए, गायब हो गई, तो 1300 रुपए का फटका है मेरे को। हम पहुंच गए, अभी हमें दिख रहा है, और आधा घंटा है, आधा घंटा नहीं, आधे घंटे के ऊपर ही लगेगा, तो है आधे घंटे के ऊपर, लेकिन हमें दिख रहा है अब मंदिर का जो डोम होता है। मैं तो आई नहीं रही, व्हाट इज, आप भी आओ मंदिर। बस पहुंच ही गए हैं, आधा पौना घंटा और लगेगा और दर्शन हो जाएंगे मंदिर का। और ऐसे भी 7 बज रहे अब तो भाई, आरती का टाइम है, फिर से ये लोग लाइन स्टॉप कर देंगे, बोलेंगे आरती हो। क्योंकि हमें निकलना है भाई, बस निकल जाएगी। लास्ट बस स्टॉप पहुंच गए, हमने बस भी ले ली है, यहाँ पे आखिरी बस बोल रहे हैं ये लोग उज्जैन जाने वाली। लकीली हमें ये बस मिल गई, और बस एक ही चीज़ है, हाँ एक निकल गई, हाँ निकल गई, और ये नेक्स्ट बस है। बस एक ही बात का बुरा लग रहा है कि हम यहाँ पे खाना नहीं खा पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम खाना खाएं। हमने लंच भी नहीं करा है, सुबह भी हम लस्सी पिए और वो जो ककड़ी नहीं आती पतली पतली सी स्नेक जैसी, वो ककड़ी खाई थी हमने, अच्छा वो खाई हमने। उसके बाद हमारा लस्सी पी थी हमने, और अभी हम लोग फिर से लस्सी ही पी रहे हैं। और ऐसे तो कंडक्टर ये कह रहे हैं कि बीच में ये रुकाने वाले हैं ढाबा पे कहीं, तो देखते हैं फिर हम वहीं कुछ खा लेंगे अगर रहा तो, अदरवाइज ठीक है। हाँ संदीप के साथ हो गया एक बहुत बड़ा हादसा, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हम सोच रहे हैं कि एक पनौती होगी, भगवान जी ने वो पनौती हमसे दूर करी होगी कुछ ना कुछ वजह से। पनौती घर पे आती है, पैसे तो नहीं थी, संदीप की चप्पल चोरी हो गई, मतलब संदीप की नई चप्पल बोले तो नई भी नहीं थी, संदीप की चप्पल हो गई है चोरी, और हमने बहुत ढूंढा पर हमें मिली नहीं, हम सबकी चप्पलें मिल गई पर संदीप की नहीं मिली। अभी संदीप को नंगे पाँव ही है, सो हम पहुंच गए हैं उज्जैन में, एंड फ्रेश होने के लिए हमने रूम भी ले लिया है। अब फ्रेश होंगे फिर से रेडी होंगे, सोने का प्लान है ही नहीं हमारा, क्योंकि सो गए तो ये लोग कह रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, तो हम सोने नहीं वाले, हालत देख सकते हो बहुत बुरी हो गई है। ठीक है, सो रेडी होके हम फिर निकलेंगे महाकाल जी के दर्शन के लिए। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।